वेलकम टू माई किचन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए वेट लॉस की बहुत ही मज़ेदार से और सिंपल सी रेसिपी। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आप चिकन सैंडविचेस बना सकते हैं बिना केचप और मायनीज के, कि ये हेल्दी वे में हम वेट लॉस में ले सकें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया, ये मैं अपने लिए बना रही हूँ इसलिए इतनी क्वांटिटी में मैंने चिकन लिया जो कि है तकरीबन 1/3 कप। चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स मैंने किए हुए थे। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, इसको आपने स्लाइसेस में रफली कट कर लेना है। साथ में मैंने एक जो है हरी मिर्च लिया, हरी मिर्च को भी आपने रफली चॉप कर लेना है। साथ में आपने मल्टीग्रेन ब्रेड ले लेनी है। वाइट ब्रेड जो है वेट लॉस में ना लिया करें क्योंकि ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल ऐड किया है, साथ ही मैंने इसमें जो वेजेस कट की थी वो शामिल कर दी हैं। हल्का सा उसको फ्राई करना है कि प्याज का जैसे ही कलर चेंज होगा हल्का सा, उसके बाद मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया था। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या है, मैंने यहाँ पे दही लिया है जो कि तकरीबन एक दिन पुराना है। हंकट बनाने के लिए यहाँ पे आपने कोई भी मलमल का या तो कपड़ा ले लेना है या फिर नेट का पीस ले लेना है कि जिसमें एक्सेस वाटर इसका जो है वो नीचे निकल जाए। कोई भी बॉल वगैरह आपने रख लेना या तो किसी चीज़ के साथ आपने हैंग कर देना है। इसको मैंने जो रखा था ना तकरीबन आधे घंटे के लिए रखा था, आधे घंटे के लिए क्योंकि थोड़ा सा दही था तो इसलिए मैंने इसको कम देर के लिए रखा था। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में दही ले रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल आपने करना है तो आप चाहे तो इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दें। इस तरह से आपने पोटली बना लेनी है दही की, नीचे बोल रख देना है ताकि ड्रॉप ड्रॉप जो इसका पानी है एक्स्ट्रा वो निकल जाए। अब यहाँ पे चिकन में मैंने बेसिक से मसाले शामिल किए हैं जो हर घर में होते हैं। काली मिर्च है, नमक है, उसके अलावा तिक्का मसाला मैंने इसमें ऐड किया या फिर तंदूरी मसाला आपने थोड़ा सा ऐड करना है। सारे मसाले मैंने चिकन के मुताबिक ऐड किए हैं जितना चिकन मेरे पास था। उसके बाद देखिए चिकन को कुक करते हुए इसको हल्का सा मैं मैश सा कर रही हूँ, चम्मच से आपने कर लेना है कि जो पीसेस बड़े हैं वो थोड़े से छोटे हो जाएंगे। चिकन तकरीबन हो गया था कुक 7-8 मिनट में, उसके बाद मैंने इसको इस तरह से निकाल लिया था। आज जो है मुझे नाश्ते में समझ नहीं लग रही थी कि आज क्या बनाऊं, तो फिर सोचा कि क्यों ना आज चिकन सैंडविच बनाते हैं वो भी हेल्दी वे में। तो यहाँ पे देखे चिकन की फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। दही का जो मैंने रखा था इस तरह से इसकी पोटली सी बना दी थी, गिरा लगा दी थी कि इसमें से बाहर ना निकले। बाकी जो इसका एक्स्ट्रा पानी है आपने चाहे तो इसको फिलिंग में ऐड करने से पहले अच्छे से निचोड़ लेना है, स्क्वीज कर लेना है। उसके बाद देखें यहाँ पे कितना ज़बरदस्त सा हंकट हमारा रेडी हुआ है। इस तरह से आपने इसको सारा निकाल लेना है। अब इसमें कुछ भी मैंने शामिल नहीं करना, मायनीज वगैरह केचप कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है। अच्छा, ये जो हंकट है ना ये आप डिफरेंट खानों में शामिल कर सकते हैं। आप कोई भी मज़ेदार से डिप सॉस बनानी है आप उसमें शामिल कर सकते हैं। दही के कबाब जो होते हैं उसमें अक्सर हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि काफ़ी रेसिपीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब मैंने 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले लिए। इस तरह से आपने एक स्लाइस के ऊपर सारी फिलिंग ही मैंने रख दी थी क्योंकि साइज इसका थोड़ा सा बड़ा है। अगर छोटे छोटे होंगे तो आप 2 सैंडविचेस बना लें। और इसके अलावा अगर आपको वेट लॉस की मज़ीद रेसिपीज़ चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि बहुत मज़े की रेसिपीज़ इंशाल्लाह ताला आगे भी मैं शेयर करूँगी। और इसके अलावा भी काफ़ी रेसिपीज़ मैंने अपलोड की हुई हैं वेट लॉस रेसिपीज़ के अलावा। अगर आपको रेसिपीज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। हमारा जो चिकन सैंडविच है ये रेडी हो गया है, इसको सेंटर से कट कर लेते हैं। आप में से जो भी फर्स्ट टाइम मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो भी न्यू रेसिपी मैं अपलोड करूं सबसे पहले आपको देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने शेयर करना अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स में। होप्स आप सबको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से प्यारा सा कॉमेंट कर दें, रेसिपी को ट्राई करें। जो भी रेसिपी आप बनाते हैं उस रेसिपी का फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। इंशाल्लाह ताला एक नई और आसान सी रेसिपी आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।